हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है सोलमेट। ये एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी में दो मेन कैरेक्टर है। पहला है तेजिन, नाम ही स्पेशल है। तो तेजिन एक पुलिस वाला है जो अपने काम के लिए बहुत ईमानदार है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है हांजी, जो अक्सर उस पर नाराज होती है क्योंकि काम के आगे वो अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है जांगसू, जो एक जूडो इंस्ट्रक्टर है। उसका खुद का एक जिम है, पर फिर भी वो दूसरे लोगों के काम में टांग नहीं अड़ाता। मतलब कोई किसी को बुली करे, परेशान करे, उसे कोई मतलब नहीं होता, बस अपनी लाइफ चंगी होनी चाहिए। जांगसू की वाइफ 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। उसकी एक बेटी है जिससे वो बहुत प्यार करता है, पर उसे हार्ट की प्रॉब्लम है और काफी सालों बाद उन्हें एक डोनर मिला है, पर ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है। वहीं तेजिन जिस पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, वहां उसके चीफ और एक और कलीग जुंगसी भी हैं, पर दोनों में से कोई भी अपने काम के लिए सीरियस नहीं है, खास करके जुंगसी, जो बस सोना जानता है। एक रात तेजिन पेट्रोलिंग पे निकला था और वो डॉक्स के पास कुछ लोगों को शिप से उतरते देखता है, जिनके साथ कुछ लड़कियां भी थी, जिन्हें वो लोग जबरदस्ती वैन में बिठाकर ले जाते हैं। तो तेजिन उनका पीछा करता है और वो वैन एक छोटे से टनल को क्रॉस करती है और इत्तेफाक से वहां उस वक्त एक और वैन खड़ी थी जो बिल्कुल उसी वैन की तरह थी जिसका पीछा तेजिन कर रहा था। पर उसे लगता है कि वो वही वैन है जिसका पीछा वो कर रहा था, पर वो वैन जान चुकी होती है और तेजिन उसके लाखों सवाल पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा था, क्या वो स्मगलिंग करता है, वगैरह वगैरह। पर जांगसू बोलता है कि वो इस वैन से अपने जिम के स्टूडेंट्स को ले जाता और ले आता है, लेकिन तेजिन उसे वैन चेक कराने को बोलता है, पर जांगसू को उसकी बेटी की कॉल आती है और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब जांगसू अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आता है तो तेजिन भी वहीं किसी काम से आया था और वो देखता है कि जांगसू की बेटी स्कूल के अंदर न जाकर बगल में एक स्टोर रूम में जाती है, पर वो इस चीज को इग्नोर करता है और जांगसू के पीछे जाता है जो अपने जिम में आया हुआ था। और तेजिन उसके वैन की पिक्चर्स लेता है और जब जांगसू उसे ऐसा करने से मना करता है तो तेजिन बोलता है कि उसका वैन एक एविडेंस है और इसीलिए वो उसकी फोटो ले रहा है, और उसकी भी फोटो लेकर वहां से चला जाता है। एक दिन तेजिन एक स्टोर में आता है जिसके सामने एक नाइट क्लब में वो उन्हीं आदमियों को देखता है जिन्हें उसने डॉक पे देखा था, जिसके बॉस का नाम पोंग जी है। पर तभी उसे उसके चीफ की कॉल आती है जो उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाते हैं। वहीं जांगसू अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करके लौट रहा था और रास्ते में वो तेजिन और जुंगसी से मिलता है जो रोड पे गिरे उनके सेब उठा रहे थे। और जब जांगसू की बेटी उनकी हेल्प करने जाती है तो वो उसे मना करता है और दूसरों के काम से दूर रहने का बोलकर वहां से ले जाता है। ऐसे ही एक दिन जांगसू की बेटी अपने स्कूल के पास एक ओल्ड लेडी को बेहोश पाती है और वहां वो तेजिन को भी देखती है, तो दौड़कर उसे बुलाती है उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के लिए। पर दौड़ने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जब जांगसू वहां आता है तो वो फिर से अपनी बेटी को दूसरों के बिजनेस से दूर रहने का बोलकर वहां से ले जाता है। लेकिन उसकी ये हरकत तेजिन को हर बार अजीब लगती है, उसे उस पर डाउट होता है, पर जांगसू के ऐसे बिहेवियर के पीछे रीजन होता है। एक रात जब तेजिन उस नाइट क्लब पे नजर रखे हुए था तब वो वहां पे जांगसू को भी देखता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करता है। पर तभी वो कुछ लोगों को एक लड़की को जबरदस्ती नाइट क्लब के अंदर ले जाते देखता है जो अपना सेल फोन वहीं बाहर ही फेंक देती है, जिसे तेजिन अपने पास रख लेता है और पीछे के रास्ते से उस नाइट क्लब के अंदर जाता है, जहां वो पोंग जी और उसके आदमियों को उस लड़की को टॉर्चर करते देखता है जो उससे उसका फोन मांगते हैं क्योंकि उसने उनकी वीडियो बनाई थी। तो तेजिन फोन के मेमोरी कार्ड को अपने पास रख लेता है और पुलिस स्टेशन में जांगसू के साथ एक वीडियो देखता है जिसमें रिकॉर्डिंग थी कि नाइट क्लब में जबरदस्ती लड़कियों को लाया जाता है और उनसे काम कराया जाता है। और तभी तेजिन को एक कॉल आती है और वो वहां से चला जाता है। इधर जांगसू एक स्टोर में गया था और जब बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वैन टोइंग वाले ले गए हैं, लेकिन तभी वहां पे वो तेजिन को देखता है और उसे लगता है कि ये उसी का काम है, तो उसका पीछा करता है। और तेजिन आता है एक पार्किंग एरिया में जहां उसे जुंगसी ने बुलाया था, पर तभी उस पे पोंग जी के आदमी अटैक कर देते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। दरअसल उन्हें वो मेमोरी कार्ड चाहिए था। और तभी नाइट क्लब का मैनेजर, जो पोंग जी का ही आदमी है, तेजिन को कार से धक्का देता है जिससे वो वहीं जमीन पे गिर जाता है। और तभी वहां पे जांगसू भी आ जाता है, जो जब तेजिन को जमीन पे गिरा पाता है तो उसके पास जाता है, पर पोंग जी के आदमी उस पे भी अटैक कर देते हैं और जोर से उसके सर पे मारते हैं जिससे वो भी वहीं गिर जाता है।
और इन सब के पीछे जूनसी का हाथ था जो पुआंग जी के साथ मिला हुआ है, पर वो बस तेजिन के पास से वो मेमोरी कार्ड लेना चाहता था। पर जब वो उसे ऐसे हाल में देखता है तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। तभी तेजिन उठ जाता है और जूनसी से बात करना चाहता है, पर तब तक एम्बुलेंस भी आ जाती है और वो लोगों को उसी की बॉडी ले जाते देखता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर हांजी को बताते हैं कि तेजिन अभी कोमा में है और उसकी हालत क्रिटिकल है। वहीं तेजिन की सोल, जिसे मैं तेजिन ही बुलाऊंगी, उसे कुछ समझ ही नहीं आता और वो चला जाता है रोड पे ये चेक करने के लिए कि वो सच में एक सोल है या नहीं, जिंदा है या नहीं, वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, और चलती गाड़ियों के सामने खड़ा हो जाता है। वेल, हियर आई कैन से मैन विल बी मैन। नेक्स्ट डे जांगसू होश में आता है और नर्स उसे बताती है कि उसे अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा। उसके बाद पुलिस उसका स्टेटमेंट लेती है कि वो पार्किंग एरिया में क्यों गया था, जिस पे जांगसू उन्हें सारी बात बताता है और पुलिस उसे बताती है कि ये मैटर सीरियस है क्योंकि इसकी वजह से एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ खतरे में है। लेकिन अगले ही सीन में जांगसू तेजिन की सोल से टकराता है एंड ही वॉज लाइक कि उसने तो सुना था कि ये मरने वाला है, तो जाकर चुपचाप से शांति से मरे, ऐसे हॉस्पिटल कॉरिडोर में भाग क्यों रहा है। पर तेजिन ये जानकर बहुत ही खुश होता है कि जांगसू उसे देख सकता है और बताता है कि वो तेजिन की सोल है जो अपने बॉडी से बाहर आई हुई है, जिस पे जांगसू विश्वास नहीं करता। पर थोड़ी ही देर में वो समझ जाता है कि ये सच है और वो एक आत्मा से बात कर रहा है, जिसके बाद वो जूडो सिखाने वाला आदमी वही बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि वो सपना देख रहा था, पर तेजिन फिर से उसके सामने आता है और उसके बाद से हर जगह उसका पीछा करता है, उससे हेल्प मांगता है। पर जांगसू, जो दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाता, उसे दूर भागता है और ये सोच सोचकर पागल होता है कि उसे भूत बाधा हुई है, वो भूतों से बात कर सकता है। और तेजिन बोलता है कि उसे पता है कि वो नाइट क्लब में इल्लीगल काम करता है क्योंकि उसने उसे क्लब के बाहर देखा था। पर जांगसू बताता है कि वो पार्ट टाइम ड्राइवर का भी काम करता है और वो किसी को नाइट क्लब में छोड़ने गया था। तो तेजिन पूछता है कि वो रात में डॉक पे क्यों गया था, जिस पे जांगसू बताता है कि वहां उसने अपनी वाइफ की अस्थियां विसर्जित की थी तो वो उसे मिलने गया था। तो तेजिन उसे सॉरी बोलता है उसे गलत समझने के लिए और जांगसू उसे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, जिस पे तेजिन उसकी हेल्प मांगता है पुआंग जी और उसके आदमियों को पकड़वाने में। पर जांगसू मना करता है और बोलता है कि जिंदा इंसानों की तो वो हेल्प करता नहीं है, भूतों की क्या खाक करेगा। एंड तेजिन वॉज लाइक यार ऐसे मत बोल, अभी जिंदा हूँ। नेक्स्ट सीन में जूनसी हांजी से मिलता है और उस मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है और बताता है कि वो इम्पोर्टेंट एविडेंस है, अगर वो उसे मिले तो उसे ज़रूर बताए। और तब तेजिन भी दोनों की वहाँ बातें सुन रहा था और जब वो जूनसी को उससे माफ़ी मांगते देखता है तो उसे उस पर कुछ डाउट होता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करता है और जूनसी आता है उसी नाइट क्लब में पुआंग जी से मिलने के लिए। और यहाँ तेजिन को पता चलता है कि पुआंग जी ने कभी जूनसी की हेल्प की थी गैम्बलिंग के कर्जों को चुकाने में, जिस वजह से वो मजबूरी में उनकी हेल्प करता है। हालांकि वो कभी नहीं चाहता था कि इसमें तेजिन की जान चली जाए, पर इन सब के पीछे जो उसका बिग बॉस था वो उसे मारना चाहता था और वो कोई और नहीं बल्कि तेजिन का चीफ था, जो जानता था कि तेजिन उनकी सच्चाई जानने के बाद कभी उसका साथ नहीं देगा। और वो पुआंग जी को, जांगसू को भी मारने को बोलता है क्योंकि वो एक विटनेस है। जिसके बाद तेजिन हॉस्पिटल आता है और जांगसू को बताता है कि उसकी लाइफ को खतरा है, पर जांगसू उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी पुआंग जी के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं और जांगसू किसी तरह उनसे लड़ते हुए वहां से भागता है और छुप जाता है। वहीं हांजी तेजिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सब कुछ तेजिन की सोल भी सुन रही होती है। यहाँ हांजी को तेजिन के वॉलेट से वो मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसके बारे में वो जूनसी को बता देती है और तेजिन उसे चाह के भी नहीं रोक पाता। इधर जांगसू को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है और वो स्कूल भी नहीं गई थी, जिसके बाद वो अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है। पर तभी तेजिन उसके पास आता है और बताता है कि हांजी डेंजर में है और उससे हेल्प मांगता है क्योंकि एक वही है जो उसे देख और सुन सकता है। पर जांगसू खुद परेशान होता है तो इसीलिए उसकी हेल्प नहीं करता और हर जगह अपनी बेटी को ढूंढता है, पर इस पूरे टाइम तेजिन उसके साथ रहता है। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है पर जांगसू की बेटी नहीं मिलती, तो तेजिन उसे पुलिस में रिपोर्ट करने को बोलता है। पर जांगसू बोलता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, वो कभी भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन तेजिन को याद आता है कि एक बार उसने जांगसू की बेटी को स्कूल के बगल में एक स्टोर रूम में जाते देखा था, तो वो उसे वहां चेक करने जाता है। वहीं जांगसू पुलिस स्टेशन आता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए और पुलिस उसे थोड़ी देर वेट करने को बोलती है, पर जांगसू उन पे चिल्लाता है और कहता है कि वो जानबूझकर लापरवाही दिखा रहा है क्योंकि मुसीबत उसके ऊपर नहीं आई है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो भी कभी दूसरों की हेल्प नहीं करता है और अब जब बात उस पे आई है तो वो गुस्सा कर रहा है। तभी वहाँ तेजिन आता है जो उसे बताता है कि उसकी बेटी उसे मिल गई है और लेकर आता है उसी स्टोर रूम में जहाँ उसकी बेटी बेहोश पड़ी थी। तो जांगसू उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी उसकी बेटी ठीक है, लेकिन अगर उसे कुछ देर और होती तो कुछ भी हो सकता था।
बाद में जांगसू तेजिन को अपनी बेटी की कंडीशन बताता है जो उसे उसकी मॉम से मिली है। वो बताता है कि 4 साल पहले वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था और हाईवे पे वो एक कार एक्सीडेंट देखता है तो उस कार में फंसे लोगों की हेल्प करने जाता है, लेकिन तभी तेज रफ्तार में आ रही एक ट्रक उसके कार को हिट कर देती है जिसमें उसकी बेटी तो बच जाती है पर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और उसे इस बात का हमेशा रिग्रेट रहा कि अगर वो दूसरों की हेल्प करने नहीं जाता तो आज उसकी वाइफ जिंदा होती। और तब से उसने डिसाइड किया कि आगे से वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं करेगा और बस अपने काम से मतलब रखेगा। और तेज इनको थैंक यू बोलता है उसकी बेटी की जान बचाने के लिए, पर फिर सॉरी भी बोलता है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है। पर तभी तेजिन देखता है हान जी को जुनशी के साथ जो उसे वो मेमोरी कार्ड देती है और तेजिन जुनशी पे गुस्सा करता है और उसे पंच करना चाहता है पर वो उसे टच भी नहीं कर पाता और जुनशी हान जी को केयरफुल रहने का बोलकर वहां से चला जाता है। और तभी हान जी को एक कॉल आती है और पता चलता है कि तेजिन की कंडीशन सीरियस है। दरअसल तेजिन की हार्ट बीट स्लो होने लगी थी। वहीं तेजिन की सोल को देखते हैं जो अपने चेस्ट में पेन फील करता है। बाद में डॉक्टर हान जी को बताते हैं कि अभी के लिए तेजिन स्टेबल है पर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, जो बात जांगसू भी सुनता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पोंग जी के आदमी हान जी को किडनैप कर लेते हैं और तब तेजिन भी वहां होता है पर वो उन्हें नहीं रोक पाता और उसकी कंडीशन और खराब होने लगती है। वहीं हान जी को डॉग पे लेकर आते हैं जहां पोंग जी उससे मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है और उसे टॉर्चर करता है। इधर डॉक्टर जांगसू को बताते हैं कि डोनर की फैमिली ने डोनेट करने से मना कर दिया है तो जांगसू डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे डोनर की फैमिली का एड्रेस दे, वो उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करेगा, पर डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि ये इल्लीगल था और ये सारी बातें तेजिन भी सुन रहा था। जिसके बाद वो जांगसू से बात करता है और हान जी की किडनैपिंग की बात बताता है। हालांकि वो जानता है कि अभी वो खुद परेशान है पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ना ही उसके पास ज़्यादा टाइम है तो जांगसू उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। वहीं जुंगसी पुआंग जी के साथ डील करता है और मेमोरी कार्ड के बदले हान जी को छोड़ देने को बोलता है पर पुआंग जी उससे वो कार्ड ले लेता है और उसे भी हान जी के साथ ही अंदर बंद कर देता है। जिसके बाद चीफ आता है और जुंगसी को छोड़ देने को बोलता है पर पुआंग जी उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि सारे इल्लीगल काम में मेहनत वो करता है पर प्रॉफिट वो यानी चीफ ले जाता है। जिसके बाद चीफ अपने आदमियों को बोलकर पुआंग जी को मरवा देता है। इधर तेजिन और जांगसू भी आ जाते हैं और जांगसू तेजिन को बोलता है हान जी को ढूंढने के लिए और खुद लोगों से फाइट करता है। वहीं चीफ जुंगसी के पास आता है और उसका एक आदमी उसे जांगसू के बारे में बताता है। जिसके बाद चीफ पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है और बताता है कि डॉग पे इमरजेंसी है और री इन्फोर्समेंट मंगाता है और जुंगसी से बोलता है कि वो जगह पोंग जी की प्रॉपर्टी है तो वो सारा इल्जाम उसी पे डाल देंगे और वहां से जाने लगता है। पर तभी जांगसू उसे रोकता है और चीफ अपने आदमियों को उसे मार देने को बोलता है। इधर तेजिन हान जी को ढूंढ लेता है जिसे वहां बांध कर रखा गया था। वहीं जांगसू चीफ को पकड़ लेता है पर तभी वहां पुलिस की और टीम आ जाती है जो उल्टा जांगसू को ही अरेस्ट कर लेती है और चीफ बताता है कि वो पोंग जी का आदमी है। लेकिन तभी वहां मेजर क्राइम टीम आती है जिसे जुंगसी ने बुलाया था और वो उन्हें एक रिकॉर्डर देता है जिसमें उसने चीफ की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और खुद सरेंडर कर देता है और जांगसू को छोड़ देने को बोलता है क्योंकि वो बेकसूर है। जिसके बाद पुलिस चीफ को अरेस्ट कर लेती है पर वो पुलिस वाले से गन छीनकर भागने की कोशिश करता है लेकिन जांगसू उसे रोक लेता है और फिर तेजिन के बताने पे वो हानजी को भी बचाता है। नेक्स्ट सीन में तेजिन उसे थैंक यू बोलता है और एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद जांगसू हानजी को एक घर में लेकर आता है। दरअसल वो घर हानजी के पेरेंट्स का ही था जो उनके कर्ज को चुकाने के लिए बिक चुका था, पर हानजी हमेशा से वो घर वापस जाती थी क्योंकि वो घर उसके डैड ने बनवाया था और वो उनकी आखिरी निशानी थी और तेजिन ने उसके लिए वो घर खरीदा था और उसे सरप्राइज देना चाहता था। यहाँ जांगसू उसे बताता है कि वो तेजिन की सोल को देख सकता है और वो अभी यहीं पे है। जिसके बाद मुझे पता नहीं कैसे पर हान जी भी तेजिन की सोल को देख सकती थी जो उसे सॉरी बोलता है आगे उसके साथ नहीं रह पाने के लिए और थैंक यू बोलता है बहुत सारी मेमोरीज के लिए और बताता है कि मरने के बाद वो चाहता है कि उसके दिल को जांगसू की बेटी को दे दिया जाए। और इसी के साथ तेजिन इस दुनिया से चला जाता है पर उसका दिल अब जांगसू की बेटी के पास होता है जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और जांगसू भी लोगों की हेल्प करने में पीछे नहीं हटता है। वहीं हान जी अक्सर जांगसू की बेटी से मिलती है जिसके पास होने से उसे तेजिन के साथ होने का एहसास होता है। वहीं तेजिन एक एंजल की तरह दूर से उसे खुश देखकर खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।